खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं GS न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। खगड़िया जिला मुख्यालय स्थित सब्जी मंडी में लगी भयानक आग, लोगों में मची अफरा तफरी। खगड़िया जिला मुख्यालय में NSC रोड स्थित एक सब्जी मंडी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। खबर मिलने तक मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची थी, हालांकि लोगों की ओर से फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया था। भाजपा नेता राजू झा ने CM नीतीश समेत कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को दी बधाई। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में NDA घटक दल के कुल 15 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इसमें से 7 BJP कोटा से, जदयू के 5, VIP के 1 और हम के भी 1 और मंत्री बनाए गए हैं। इस तरह से नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के 14 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। NDA का बड़ा फैसला, विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर होंगे जीतन राम मांझी। नई सरकार के गठन के बाद नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। पहली बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर चर्चा हुई, जिसमें से यह तय किया गया कि 23 से लेकर 27 नवंबर तक पहला सत्र चलेगा। वहीं सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हम के राष्ट्र अध्यक्ष जीतन राम मांझी को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। NDA ने फैसला लेकर राज्यपाल के पास अनुमति के लिए फाइल भेज दी है। भागलपुर में पुलिस ने 50,000 के इनामी अपराधी रविंद्र यादव को धर दबोचा। भागलपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने 50,000 के इनामी अपराधी पूर्व मुखिया रविंद्र यादव को बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा स्थित उसके घर से धर दबोचा। भागलपुर के सीनियर SP आशीष भारती ने बताया कि अपराधी रविंद्र यादव के खिलाफ भागलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हत्या, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित 18 संगीन मामले दर्ज हैं। भागलपुर यूको बैंक में सेंधमारी कर घुसे चोर 9 लाख रुपए किए गायब, मामले की हकीकत में जुटी पुलिस। सनहौला थाना क्षेत्र के ताड़र स्थित यूको बैंक में सोमवार को देर रात अज्ञात बदमाशों ने दीवार में छेद कर 9,29,879 रुपए कैश लूट लिए। घटना की जानकारी सुबह पता चली तो इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की जानकारी सनहौला थाना में जाकर दी। नीतीश कैबिनेट में जगह पाकर गदगद हैं सहनी, बोले CM के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। नीतीश कैबिनेट में जगह पाकर विकासशील इंसान पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी गदगद हैं। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में भाग लेकर लौटे सहनी ने प्रेस वार्ता कर अपनी खुशी जाहिर की है। नीतीश का सुशासन, बिहार के व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी को बनाया गया शिक्षा मंत्री। नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप पर रामनाथ कोविंद ने की थी कार्रवाई। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कभी समझौता नहीं करने वाले का ऐलान करने वाले नीतीश कुमार ने बिहार के सबसे बड़े नौकरी घोटाले के आरोपी को अपना शिक्षा मंत्री बना दिया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने कार्यभार संभाला, बोले रोजगार और उद्योग पर फोकस। बिहार के नए डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिल सके और यहां पर उद्योग कैसे लगे, इस पर उनको काम करना है। इसको लेकर सभी के साथ बैठक करेंगे।
बिहार में मिले कोरोना के 513 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 22,79,046। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक राज्य में 513 लोग कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 22,79,046 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,295 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। पिता ने बेटी की चढ़ा दी बलि, तांत्रिक के कहने पर कुल्हाड़ी से बेटी को काट डाला। बेटे की चाहत में पिता ने अपने 6 साल की बेटी की बलि चढ़ा दी। यह सब उसने एक तांत्रिक के कहने पर कहा। यह घटना बिहार के लोहरदगा की बताई जा रही है। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।